भेजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्लाट विषय करने का औचित्य क्या था? मैं खुशवान खाता हूँ। आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान निर्जीव हो गए थे? जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। अखिलेश के स्वामी ने अब नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुए 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सब लोग उस अध्याय को भूल भी गए, लेकिन विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा वाला मुद्दा फिर उठा दिया है। बड़ी बाबाई लुटी गई है रामलला प्राण प्रतिष्ठा का। ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले रामलला थे ही नहीं। एक और कहा जाता है कि देश के करोड़ों करोड़ों आराध्य के भगवान है श्री राम, और भारतीय जनता पार्टी उन करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर ऐसा ड्रामा कर रही है कि जैसा कि लगता है कि राम को हम लाए हैं, जबकि ये जगवीत है। ये पूरे संसार सब मालूम है, हजारों साल से राम की यहां पर पूजा होती चली आ रही है। और जब राम की हजारों साल से पूजा चली आ रही है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न कहां सुनता है? जब राम हजारों साल से पूजे जा रहे हैं तो अरबों खरबों रुपया खर्च करके दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या था? मैं खुशवान खाता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके बल्कि आगे कहा कि पिछले हजार सालों से पूजा की जा रही है, फिर प्राण प्रतिष्ठा की क्या आवश्यकता थी? ये करोड़ों भक्तों की भावनाओं को आहत करता है। वो समारोह सांस्कृतिक नहीं था, बीजेपी आरएसएस और वीएचपी का कार्यक्रम था। प्राण प्रतिष्ठा वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। वहां देश के सारे श्रद्धालु भगवान राम को मानने वाले सारे के सारे करोड़ों करोड़ लोगों को रोक दिया गया था। आयोजक भी भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि भी भारतीय जनता पार्टी, व्यवस्था करने वाले विष्णु परिषद, आरएसएस, इन तीन के अलावा कौन था? वो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विष्णु परिषद का कार्यक्रम था। यहां के लोगों को रोक दिया गया। जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं उनको ले जाकर वहां स्थापित करना चाहिए। कहां से आया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्रतिष्ठा कहां से? क्या क्या राम निर्जीव हो गए? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप कैसे मान लेंगे? भरे सदन में स्वामी ने जब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाया तो सदन में बवाल मच गया। बीजेपी वाले सदन में ही स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने लगे। सच चीज कहना, सत्य का भाषण करना आप गाली कैसे मानते हैं? अरे आप और इस तरीके से आप अपनी बात कहिए। रही कार्यक्रम की बात, जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और उन लोगों ने किया तो फिर किया, तो दूसरा कौन करता? नहीं, जो उसमें टिप्पणी करता टिप्पणी मत करिए उससे। प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गांव में जन्मे स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1980 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से बीजेपी में शामिल हुए, फिर बीजेपी से सपा का दामन थाम लिया। खास बात ये रही कि सिर्फ 5 सालों में ही उनका बीजेपी से मुंह भंग हो गया और अब सपा में आकर अपने ही बयानों से सपा को मुश्किल में डाल रहे हैं। इसलिए तो सपा नेता उनको लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।